Good morning, students. I am Simi Alang, physics teacher from JPS Academy. Students, I have sent you one assignment based on dot product and cross product. I have sent you some numericals. Most of the numericals we have already covered in our regular class, but I have added some of the different type of numericals in this assignment. I will discuss in this video session only those numericals which are new for you, and the complete solution of this assignment will be sent to you on WhatsApp in PDF format. So first of all, I am discussing here the first numerical, that is the vectors A and B are such that mod of A plus B is equal to mod of A minus B. Find the angle between two vectors. स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें दो वेक्टर ए एंड बी इस तरीके से दिए हुए हैं कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है किसके इक्वल है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, और हमें ए और वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है. नाउ द सॉल्यूशन फॉर दिस न्यूमेरिकल इज so we have given vector A plus vector B, magnitude of it means I have put mod here, vector A minus vector B ka mod, ye dono equal hai. This is the equation which is given in the question. To find the angle between A and B, what we will do here, yahan par hum is equation ka kya karenge, squaring karenge. So squaring both sides, vector A plus vector B mod ka square equal to vector A minus vector B mod ka square. तो हमने दोनों साइड को square कर दिया. As we have done one property that A dot A is equal to A square. अगर दो वेक्टर आइडेंटिकल वेक्टर हैं उनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वेयर के इक्वल होता है. सो हेयर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये दोनों का वेक्टर का जो एडिशन एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, मींस उसका हम स्क्वेयर कर रहे हैं. इस प्रॉपर्टी का रिवर्स लगाना है, ए स्क्वेयर को लिखते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर. सिमिलरली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का भी स्क्वेयर किया है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसका अपने साथ ही, मींस दो इसका हमने उसी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दिया. सेम प्रॉपर्टी वी हैव यूज हियर, ए स्क्वेयर को लिखा हमने ए डॉट ए, और यहाँ पर ए स्क्वेयर की जगह क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, मींस हम इसका हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसी के साथ ही. सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट A vector minus B vector. Now we will open this bracket having a dot product in between these two brackets. So A vector dot of A vector. तो यहाँ पर हमने A vector का dot लेना है किसके साथ, first जो है वो है A vector. Then plus अब इसका इसके साथ dot product लेंगे A vector dot B vector. Now B वेक्टर का A के साथ डॉट लेंगे प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर, प्लस अगेन B वेक्टर का B वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे B वेक्टर डॉट B वेक्टर, इक्वल टू सिमिलरली हेयर A वेक्टर डॉट A वेक्टर, इन दोनों का लिया, देन A वेक्टर का B वेक्टर के साथ डॉट, बट यहाँ माइनस साइन है तो माइनस ए डॉट बी. नाउ माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सो इट विल बी माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. नाउ माइनस बी वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर, माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर. नाउ अगेन वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी हेयर, सो इट विल बी ए डॉट ए ए स्क्वेयर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए. स्टूडेंट्स, वी हैव डन वन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन डॉट प्रोडक्ट, कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है,
means a dot b is equal to b dot a. हम चाहे a का a dot b करें या b dot a करें, दोनों का आंसर सेम आता है. तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज़ करें तो b dot a को क्या लिख सकते हैं, a dot b लिख सकते हैं. b dot b को क्या लिखेंगे, b का स्क्वायर. कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की. सो हेयर a dot a अगेन इट विल बी a स्क्वायर माइनस a dot b. अब यहाँ b dot a को कैसे लिखेंगे, अगेन a dot b लिखेंगे माइनस a dot b प्लस b dot b b स्क्वायर. सो इट विल बी नाउ हेयर यू कैन सी a स्क्वायर एंड a स्क्वायर विल बी कैंसल एंड b स्क्वायर एंड b स्क्वायर विल बी कैंसल. a dot b प्लस a dot b इट विल बी 2 a dot b एंड हेयर माइनस a dot b माइनस a dot b माइनस 2 a dot b. माइनस 2 a dot b को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, इट विल बी एडिड हेयर सो इट विल बिकम 2 a dot b प्लस 2 a dot b इक्वल टू ज़ीरो. सो नाउ इट विल बी 2 प्लस 2 4 a dot b इक्वल टू ज़ीरो. इसको ओपन करेंगे हम a dot b, व्हाट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a dot b को ओपन करते हैं तो क्या आता है, वी हैव डन इन द क्लास a dot b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. सो इट विल बी 4 ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो. सो नाउ फोर ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हेयर. नाउ 4 कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो एज ए एंड बी वैक्टर आर नॉन ज़ीरो वैक्टर. सो वट कैन बी इक्वल टू ज़ीरो, अगर इस इक्वेशन ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है ये इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब इसमें से कोई एक क्वान्टिटी ऐसी है जो कि ज़ीरो के इक्वल है. इट मीन्स क्या इक्वल टू ज़ीरो है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हेयर. और अगर कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ रही है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो कौन सा एंगल है जिस पर कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो होती है. यस इट इज़ एंगल 90 डिग्री. थीटा 90 डिग्री पर कॉस की वैल्यू ज़ीरो होती है. सो वी हैव फाइंड आउट दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा. नाउ वी विल डू सिक्स्थ न्यूमेरिकल. इफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. हमें यहाँ पर स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल दिया हुआ है. मीन्स यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर हम एक बार स्केलर प्रोडक्ट लें तो उसको आप कैसे लिखोगे, यू विल राइट ए डॉट बी. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बोथ आर सेम थिंग. स्केलर प्रोडक्ट मीन्स ए डॉट बी एंड वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स ए क्रॉस बी. इफ़ द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, किसका, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये दोनों क्या हों, इक्वल हों, कैसे, इन मैग्नीट्यूड. स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है. मींस ए डॉट बी जो कि किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के. एंड ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट मींस क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक वेक्टर को हमें देता है. मींस ए क्रॉस बी इट इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, जिसे आप सी वेक्टर लिखते हो. मींस दिस इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. लेकिन हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि यहाँ पर a डॉट b और a क्रॉस b वो मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल. मीन्स यहाँ पर अगर हम इसका देखें ये तो मैग्नीट्यूड है, और इस केस में a क्रॉस b में ए बी साइन थीटा एन कैप जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें तो हमारे पास ये होता है मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर एन कैप हमें बताता है डायरेक्शन. तो यहाँ पर हमारे पास ए बी साइन थीटा जो है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर प्रोडक्ट. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके मैग्नीट्यूड को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है. मींस अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट
we will write AB sine theta is equal to AB cos theta. So this AB can be cancelled out and cos theta को हम left hand side लेके जाएंगे and यहाँ पर रह जाएगा 1. Sin theta by cos theta is tangent theta, that is equal to 1. Tangent theta अगर 1 के equal आ रहा है तो किस angle पर tangent theta की value 1 आती है? Yes, it is angle 45 degree. So the angle between A and B is 45 degree. So this is the solution of your question number 6th question. Now we will do question number 7. Let A1 vector magnitude equal to 3, A2 vector magnitude equal to 5, and magnitude of A1 vector plus A2 vector is equal to 5. Find the value of 2A1 plus 3A2 vector dot of 3A1 minus 2A2 vector. Question में हमें क्या-क्या given है? हमें given है कि A1 vector का magnitude 3 है, A2 vector का magnitude 5 है, and A1 plus A2 vector का magnitude जो है वो 5 के equal given है. हमें इस expression जो है, ये हमें expression दिया हुआ है, दो brackets हैं और दोनों brackets के बीच में क्या है? Dot product है. हमें इस bracket को, इस expression को solve करना है. Firstly, students जब हमें question में A1 vector magnitude इस तरीके से given है, I told you कि इसको अगर आप simply लिखना चाहें तो आप इसको simple ऐसे A1 भी लिख सकते हैं. So this A1 it is 3. In question its value is 3. So it will be 3 here. And A2 magnitude, जिसको हम simple लिखेंगे A2, इसकी value कितनी दी हुई है? 5. And A1 vector plus A2 vector का magnitude it is 5. ये हमें 5 given है. लेकिन आप ये mistake मत करना कि मैंने यहाँ पर A1 vector का magnitude को A1 लिखा, A2 vector के magnitude को A2 लिखा, तो हम यहाँ पर A1 vector plus A2 vector के magnitude को हम ऐसे लिख दें A1 plus A2 equal to 5. No, it will be wrong. ये गलत होगा. यहाँ पर मतलब है कि A1 vector का magnitude, तो उसको लिखने का एक मेथड ये भी है कि हम वहाँ से एरो हटा के, मोड हटा के सिंपल एक वेरिएबल की फॉर्म में लिखें. लेकिन यहाँ पर A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का जो एडिशन होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड 5 है. अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि A1 का मैग्नीट्यूड, A2 का मैग्नीट्यूड वो इक्वल टू 5 लिख रहे हैं. लेकिन ये तो गलत है क्योंकि A1 का मैग्नीट्यूड 3 है, A2 का मैग्नीट्यूड 5 है. तो अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ तो 3 प्लस 5 8 के इक्वल होगा, तो ये लिखना बिल्कुल रॉन्ग होगा. आई होप दैट दिस मीनिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं जो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो इट इज 2A1 प्लस 3A2 dot 3A1 minus 2A2. अब इस ब्रैकेट को करेंगे हम सॉल्व. अगेन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे. 2A1 dot 3A1, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे. 2 into 3 it will be 6, तो I will write directly 6 here. A1 dot A1 dot A1, 2A1 dot किसके साथ? इसके साथ minus 2A2 के साथ. So it will be 2 into 2, साथ में minus है, minus 4 A1 dot A2. Now plus 3 into 3, 9 A2 dot A1, Now, plus 3A2 dot minus 2A2. 3 into 2, यहाँ पर minus है, तो इधर आएगा minus 3 into 2, 6, A2 dot A2.
It will be 6 a1 dot 8 a1 square minus 4 a1 dot a2. Now, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? a2 dot a1 can be write as a1 dot a2. कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने यहाँ? a dot b equal to b dot a. इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो हम a2 dot a1 की जगह क्या लिखेंगे? a1 dot a2 minus 6 a2 dot a2. अगेन आई विल यूज दिस विच प्रॉपर्टी? दोनों का डॉट प्रोडक्ट सेम आइडेंटिकल है, तो इसको कैसे लिखेंगे? a2 का स्क्वेयर. यहाँ पर हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, a1 डॉट a1, a1 का स्क्वेयर. यहाँ पर यही लगाई है a, ठीक है? दो आइडेंटिकल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर. यहाँ पर हमने a2 डॉट a2 को a2 का स्क्वेयर लिखा. अब हमें a1 की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, और 3 का क्या करना है? स्क्वेयर. 3 का स्क्वेयर क्या आएगा? 9, 6 × 9. ओके, ये माइनस 4 a1 डॉट a2 और ये प्लस 9 a1 डॉट a2. तो हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे. 9 में से 4 माइनस, इट विल बी प्लस 5 a1 डॉट a2 माइनस 6. अब a2 की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 5, तो 5 का स्क्वेयर करना है क्योंकि a2 का स्क्वेयर है, तो इट विल बी 25. अब इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन वर्क. 6 × 9 54. नाउ 5 a1 डॉट a2, a1 डॉट a2 डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे. a1 a2 cos थीटा माइनस 6 × 25. अब 6 × 25 करते हैं, इट विल बी 150. अब 150 में से 54 माइनस करेंगे, इट विल बी माइनस 96. ओके, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे थे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 54 माइनस 150, इट इज़ माइनस 96 प्लस 5 a1 a2 cos थीटा. तो अभी हमने क्या किया है, ये जो ब्रैकेट है, ये वाला दोनों ब्रैकेट का डॉट प्रोडक्ट लेके इसको सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद ये आया हमारे पास. इस इक्वेशन को हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ वी विल यूज़ दिस इक्वेशन. अब इसका यूज़ करेंगे, a1 प्लस a2 इक्वल टू 5, इसको यूज़ करेंगे. a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 5. नाउ हेयर व्हाट वी विल डू, इस इक्वेशन में हम इसको, इसका हम स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड. ओके, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसका स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स. a1 प्लस a2 मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर इक्वल टू में 5 का स्क्वेयर. तो यहाँ पर हमें वही सेम प्रॉपर्टी वही यूज़ करनी है जैसे हमने यहाँ पर इस फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ की थी. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे लिखा था? इसका खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लिया था ना, तो यहाँ पर भी हम इसको ऐसे करेंगे. वी विल राइट a1 प्लस a2 डॉट a1 प्लस a2 5 का स्क्वेयर 25. अब हमने इसको करना है सॉल्व. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए a1 प्लस a2 इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे. a1 डॉट a1 अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी, a1 डॉट a1 को क्या लिखेंगे? a1 का स्क्वेयर. a1 डॉट a2 a1 डॉट a2 नाउ a2 डॉट a1 a2 डॉट a1 a2 डॉट a1 नाउ प्लस a2 डॉट a2 अगेन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे a2 का स्क्वेयर और इक्वल टू में 25. अब a1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, a1 की वैल्यू कितनी है? 3. तो यहाँ पर 3 का स्क्वेयर 9,
ए वन डॉट ए टू, ए टू डॉट ए वन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको टू ए वन डॉट ए टू। ए टू की वैल्यू क्वेश्चन में 5 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू में 25। ओके, अब यहाँ पर ये 25 है, इधर 25 है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ गया ये 9 प्लस 2। ए वन डॉट ए टू को ओपन करो, ए वन डॉट ओपन करेंगे तो ये आएगा ए वन ए टू कॉस थीटा इक्वल टू में 0। यहाँ 9 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस, टू ए वन ए टू कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 9। अब ए वन ए टू कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इट इज़ माइनस 9/2। अब ये वाली वैल्यू जो है वो कहाँ पुट करेंगे हम, इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर हम ए वन ए टू कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि ये इक्वेशन हम इक्वेशन नंबर 1 किसको सॉल्व करके आई है, इस ब्रैकेट को, ये दोनों ब्रैकेट का डॉट प्रोडक्ट था ना, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आई है। तो यहाँ पर बेटा आप पुट करेंगे वैल्यू, तो आपके पास ये आएगा माइनस 96 प्लस 5 इंटू में माइनस 9/2। अब आपने करनी है इसकी कैलकुलेशन, आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन वर्क यू विल गेट दिस आंसर -118.5। Okay, that's all for today. Okay, students, I can ask any of the student to send me the solution of this complete assignment. And if you find any difficulty in the remaining numerical, I will send the solution of this complete assignment in the late evening so that you can try this assignment by your own. And if still in the solution of this assignment, if any point is not clear, send me the doubt on my WhatsApp number. Thank you.